उत्थें मशीन लोआई ते ओह्दे पैर बैठे ही गी पेदे। इ'यां बी सरकारी स्कूल ऐ और डाक्टर उं'दा क्वार्टर रेही गेआ पेदा त्रै छत्त ते बर गब्बे मशीन लाई ते ओह् शिड़का ते इत्थें नी रक्खे गेदी करदा अ'ऊं ते ओह्दे पर कोई 1.5 लक्ख रपेआ लाए दा इ'नें मुंडे मेरे ते उ'नें दौनें ते ओह् त्रै चार बारी घर पाया चार बारी उ'नें गिरी छड्डेआ। ते हून कुत्थें जाचै मुश्कल ऐ असें कुतै जगह मिले जाए तक बड़ी मेहरबानी। रौंह्दे कुत्थें हो? बुलड़ी स्कूल ते कन्नै। हां जी किन्ने दिन रौंह्दे उत्थें? किन्ने दिन होए उत्थें रौंह्दे? उत्थें अस उम्बरा रौंह्दे। मैं किन्ने दिन होए स्कूल च? महाराज कोई त्रै तीन चार महीने होई गे पौ महीने दी कारोबार चलेआ। स्कूल दी बिल्डिंग बना करदे हे ओह् लाई थी उ'नें मशीन सर ते ओह्दी कट दी वजह कन्नै ओह् साढ़े घर के डैमेज होई गेदे न। अस उस घर दे अंदर रहने दे काबल नहीं न। दूआ नंबर सर केह् ऐ कि मारे बच्चे गै न असें कोई दलंगर पढ़ा करदा ते कोई बाड़ी बिच्च ऐ अस उत्थें तक और घर बेघर हो चुके हैं। स्कूल बिल्डिंग का काम चल रहा था तो उसमें जब कटिंग करी थी उसके वजह से डैमेज गिरे नहीं पूरी तरह से इससे डैमेज है वो मल्ला ही डैमेज हो गया सरकार जी सर एक बड़ा जनरल केस है ये 80 साल नहीं लेकिन जो है ना अर्जुन साहब ये भी बता रहे हैं ना नहीं 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 लेकिन अर्जुन साहब यही बता रहे हैं सरकार ने भी चलो इसके लिए आपने लिख लिया मगर 10 साल के लिए प्रपोजल भी है 10 साल का निर्णय भी हो गया काम कर रहे हैं। एक मिनट सुनाई सामने उनकी सुन लीजिए थोड़ी जगह दादे खाधी असी पप्पे खाधी असी मेरी उम्र हुई वो जगह बाहर जिक रहे तो बाहर ये जी तो हर रोज मेरे घर में आता है ऐसा ही बेची गई नौकरी करता कुछ नहीं कर सकता चौंटी नहीं देगी दुनिया का पाला मंगता झूठ का आना पाला पंगा नहीं जड़ी सही गल है मैं अपने जो करना करो कुछ जगह राइटिंग में तो कुछ नहीं होगा ये ठीक है चलो बाद में बात करें बाद में इसको अलग से बात करेंगे।